तो आप लोगों को चैन किस में मिलेगा? जीने तो दो आराम से। इस यात्रा में, तपस्या में भी हम लोगों को परेशान करके ये रखे, वाकई में मतलब सच ये है कि ये खुद बौखला गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यही देश की जनता जिसे ये लगातार झूठ परोस रहे हैं, इनको अच्छा सबक सिखाएगी। बस वेट एंड वॉच, अब समय आ गया है। यही जनता इन्हें उठाकर फेंकेगी भी, और ऐसा फेंकेगी कि कांग्रेस मुक्त भारत बोलते थे, भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा। लोकतंत्र को किल तंत्र बना दिया गया है, झूठा तंत्र बना दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की धरती पे, और यहाँ पर अभी बागपत जो है ये यात्रा पहुँच चुकी है राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है कि इस नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, लेकिन इस नफरत के माहौल को क्या वो अपने मोहब्बत की दुकान से उजागर कर पाएंगे, या ये मोहब्बत और लोगों तक पहुंच पाएगी, या वाकई में दुकान खुल पाएगी या नहीं खुल पाएगी। आज उत्तर प्रदेश की धरती पर जो है यहाँ पर लगातार जो कल से आप देख रहे होंगे टीवी मीडिया वाले तो नहीं कवर कर रहे हैं ना ही दिखा रहे हैं, तो उसी के साथ अभी हमारे साथ हैं बहुत से यात्री हैं जो चलते हुए पदयात्रा कवर कर रहे हैं, और हमारे साथ ज़ैबा खान है। ज़ैबा खान जी, जिस तरीके से राहुल जी बोल रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, क्या ये दुकान वाकई में खुल पाएगी? बिल्कुल खुल पाएगी, नहीं खुल चुकी है। हम जैसा कन्याकुमारी से देख रहे थे, ये एक यात्रा थी, लेकिन इस यात्रा में जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। लोगों का जो प्यार मोहब्बत और सम्मान मिल रहा है, लोगों में एक विश्वास जागा है राहुल जी में। लोग ये समझ पा रहे हैं कि इस समय जहाँ पर आवाज उठाना मुश्किल है, कोई भी बोलने वाले पर कोर्ट चुप करा दिया जाता है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम को सरकार अपने लिए यूज़ कर रही है, ऐसे में राहुल जी देश के लिए चल रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं देश के लिए, इस देश के युवा के लिए, रोजगार के लिए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ राहुल जी चल रहे हैं। इस ठंडे में चल रहे हैं, गर्मी में चले हैं, बारिश में चले हैं। ये सिर्फ यात्रा नहीं, यात्रा तपस्या बन गई है, तपस्या बन गई है। तो लोगों में विश्वास जागा है, पूरा देश में प्यार राहुल जी के लिए दिल से। जो मतलब पहले तो यात्रा में बड़े लोग हुआ करते थे, लेकिन अब क्या चेंजेस मैंने देखा कि छोटे बच्चे भी हर जगह 50, 100, 150 के संख्या में जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो के नारे लगा रहे। महिलाएँ, माताएँ सुबह में भी अंधेरे में खड़ी रह रही हैं सर्दियों में, तो ये बदलाव की तरफ इशारा करता है। कहां बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और आज देश के हर कोने तक जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारा पहुंच चुका है, है ना। राहुल गांधी देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, तो ये इस यात्रा की जीत है। लगातार जो है राहुल गांधी जी को तपस्वी बताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं फैक्ट्स भी बता रहे हैं। जो आपको पता है कि हर कोई आंदोलन होता है तो उसमें कभी, जब जैसे किसानों का आंदोलन हुआ उनको खालिस्तानी बता दिया गया, ऐसे ही इस आंदोलन, अब ये आंदोलन ही समझिए जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, तो इसमें उनको तपस्वी तो बताया जा रहा है। बोल रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश पहुंचे तो टीका लगा लिया उन्होंने माथे पर, यानी हिंदुओं को लुभावने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और इससे पहले जब वहां थे तो टीका नहीं लगा रहे थे। मतलब लोगों के हिसाब से बदल रहे हैं वेशभूषा, जैसे प्रधानमंत्री जी बदलते हैं वैसे ही बदल रहे हैं। इनका तो काम है बदनाम करना, विपक्ष को बदनाम करना, जो आवाज उठाते हैं सरकार के नीतियों के खिलाफ उनको बदनाम करना इनका काम है। किस तरह किसान आंदोलन में बोलते थे ये नकली किसान है, ये तो पिज्जा खाते हैं, और ये तो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, तो ये इनके चाल और चरित्र में है। जो भी आवाज उठाता है, सत्ता में बैठे लोग दूसरे को, विपक्ष को दबाते हैं। पर देश की जनता, राहुल जी हर जगह जहां भी रास्ते में टेम्पल आया है गए हैं, सारे भारत यात्री गए हैं। अब देखिए इनको तो बदनाम करना है, अगर कोई मुस्लिम बच्ची महिला के साथ फोटो ले लिए तो उस पर बोलते हैं सिर्फ मुसलमानों के साथ चल रहे हैं, और अगर मंदिर में चले गए टीका लगा लिए तो बोलते हैं हिंदुओं को लुभाने के लिए। तो आप लोगों को चैन किस में मिलेगा? जीने तो दो आराम से। इस यात्रा में, तपस्या में भी हम लोगों को परेशान करके ये रखे, वाकई में मतलब सच ये है कि ये खुद बौखला गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। राहुल जी का जिस तरह कद बढ़ गया है, देश के जनता ने उन्हें अपने दिलों में बैठा लिया है, ये सत्ता में बैठे लोग उससे डर गए हैं। बौखलाहट में कभी कोरोना का नाम ले रहे हैं,
कोरोना है, और कभी कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी सिक्योरिटी को लूज कर देते हैं, तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, कभी टी शर्ट का दाम देखते हैं, कभी जूता पे बात करते हैं, पर यात्रा में जो चल रहे हैं, इतना मेहनत लग रहा है, वो नहीं देख रहे, हमेशा नेगेटिव, और वो भी नेगेटिव नैरेटिव्स की बात करते हैं, वो भी सच नहीं झूठा। देश की जनता को लगातार सत्ता में बैठे लोग 8 सालों से क्या कर रहे हैं, बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं, और आज भी अपने उस बात पर कायम है। इनको देश की जनता, यही देश की जनता जिसे ये लगातार झूठ परोस रहे हैं, इनको अच्छा सबक सिखाएगी। बस वेट एंड वॉच, अब समय आ गया है। ये यूपी है और पॉलिटिकल का जो है गढ़ माना जाता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में अब राहुल जी यहाँ पर यात्रा निकाल रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है कि कितना असर है 2024 में आने वाले चुनाव में, क्या कुछ देखिए रह पाए? तो हम ये देश को जोड़ने निकले हैं, दिलों को जोड़ने निकले हैं, नफरत खत्म करने निकले हैं, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ निकले हैं। तो देखिए, देश की जनता समझदार है, वो हालातों को समझ रही है, ज़रूर सबक सिखाएगी। जो इन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा फैला के रखा है, जनता के साथ छल किया है, जनता का शोषण किया है, दो पूंजीपति सिर्फ अमीर होते जा रहे हैं, और सारे देश का टैक्स का पैसा और सारे देश का पैसा जो है वो पूंजीपतियों को उधार में दिया जा रहा है, जनता के पैसे को उन्हें देकर कर्ज माफ़ किया जा रहा है, और जनता पर लगातार महंगाई की मार फेंकी जा रही है। कभी आए दिन डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, एलपीजी, खाने के सामान महंगे होते जा रहे हैं, हमारा पैसा पूंजीपतियों को दिया जा रहा है और हम टैक्स भी भर रहे हैं और महंगाई की मार भी झेल रहे हैं। तो ये जो जनता बैठाई है ना सत्ता में, यही जनता इन्हें उठाकर फेंकेगी भी, और ऐसा फेंकेगी कि कांग्रेस मुक्त भारत बोलते थे, भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा। आज का शब्द लिख के रख लीजिए, याद कीजिएगा, भाजपा मुक्त वाकई में भारत होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि सच अपने में बहुत ताकतवर होता है, सच को कितना भी दबाइए, झूठ में बदलिए, लेकिन अंत में जीत सच्चे व्यक्ति की होती है, सच्ची निष्ठा की होती है और सच्चाई की होती है, और झूठ हमेशा हारता है, कुछ दिनों के लिए चलता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हमेशा किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। राहुल जी ये यात्रा तो कर रहे हैं, और मैंने काफ़ी यात्रा कवर की, तो उसमें भीम जो नीला झंडा है वो भी लेकर चल रहे हैं लोग, और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को भी लेकर चल रहे हैं। क्या लगता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा बाबा साहब की आइडियोलॉजी को भी लेकर चल रहा है, या उत्तर प्रदेश है यहाँ पे मायावती जी का भी ABSP पार्टी है, तो उसको भी कुछ आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं क्या? देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए ही तो है। उस संविधान की हर रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पार्लियामेंट में हर कुछ इल्लीगल हो रहा है, जो भी संविधान से संविधान नाम मात्र के लिए रह गया है, लोकतंत्र नाम मात्र के लिए रह गया है, लोकतंत्र में आवाज उठाने का अधिकार है जनता को, लेकिन जो भी आवाज उठाता है उसके आवाज को कुचल दिया जाता है, बुलडोजर तंत्र बना दिया गया है, लोकतंत्र को किल तंत्र बना दिया गया है, झूठा तंत्र बना दिया गया है। तो हर तबका, हर समुदाय साथ में खड़ा है, साथ देगा, और सबसे ज्यादा तो शोषण किसी का हुआ है तो ST SC OBC के साथ हुआ है और हो रहा है लगातार। उनके जो भी आरक्षण को सरकारी संपत्तियों को बेच दिया जा रहा है, आरक्षण खत्म करने की जरूरत नहीं है, नौकरियां ही खत्म हो जा रही हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर्ट उन्हें हो रहा है। और ST SC OBC का हाल बिरयानी में डाल वाले तेजपत्ते के जैसा है, पकाने के समय तो डालते हैं और खाने के समय निकाल के फेंक देते हैं, जब इलेक्शन आता है तो हिंदू हो जाते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो फिर उनको साइड लगा दिया जाता है। उनको साइड लगाने के लिए 10% लोग दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। तो हमारे ST SC OBC समाज समझ रहा है। राहुल जी की छवि पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इस पदयात्रा से लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी की छवि में सुधार आया है, राहुल जी की छवि बदली है? जनता जो 8 सालों में पूरा सरकारी तंत्र, मीडिया, पैसे, करोड़ों अरबों रुपए लगाकर राहुल जी के छवि को बिगाड़ा गया था, आज देश की जनता देख ली है कि राहुल जी क्या है, देश में शेर कौन है, 56 इंच का सीना कौन है और पप्पू कौन है। ठीक है, देश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है कि असली शेर कौन है,
देश को कौन चला सकता? इशारा किस तरफ है आपका? अब देश की जनता समझदार है, वो समझ रही है किस तरफ इशारा है, किसका किसका 6 इंच का सीना है और किसका 56 इंच का सीना है, असली शेर कौन है और पप्पू कौन है, देश की जनता सब जान रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी जैबा खान और जो लगातार ये यात्रा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। और जैबा खान से हमने बात की तो यहाँ पर जो छवि सुधारने की बात है तो उससे बहुत छवि जैसी थी वैसी ही रहेगी, लेकिन वो अपने आप को बताते हैं कि भाई यहाँ पर जो है हम नफरत को मिटाने निकले हैं, मोहब्बत को जो है फैलाने निकले हैं। तो ये है भारत जोड़ो यात्रा और आज मैं यूपी की इस धरती पर मौजूद हूँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धरती से चालू हो चुकी है और तमाम लोग यहाँ पर उनको सराह रहे हैं, तो बहुत लोग हैं। अभी और भी लोगों से हम आगे बात करेंगे। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, उत्तर प्रदेश।